हेलो दोस्तों, क्या भी फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपके पास SBI का बैंक अकाउंट है? सो दोस्तों, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको अपने SBI बैंक अकाउंट से अपना फोन पे अकाउंट कैसे बनाना है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल द हिडन ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना फोन पे अकाउंट बनाना है अपने SBI बैंक अकाउंट से। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जब आपको वीडियो से वैल्यू मिले, तो प्लीज वीडियो में अपना एक लाइक करना ना भूलिएगा। और आपने हमारे चैनल पर निवेश किया तो चैनल को दीदी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपको फोन पे से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल वीडियो देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अब तक फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोन पे एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। सो आप उस लिंक पर क्लिक करके फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से भी फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, क्योंकि आपको लाइव साइज स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना अकाउंट बनाने जा रहा हूँ फोन पे एप्लीकेशन से, सिंपली उसी तरह से आपको भी अपना अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके SBI बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। सो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोसीड वाला, तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके इस फोन नंबर पर एक OTP आएगा 5 डिजिट का, सिंपली वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, जो कि यहाँ पर मैं इसे फिल कर लेता हूँ। OTP फिल करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा होगा वेरीफाई, तो सिंपली आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर से थोड़ी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फिर से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा वेलकम टू फोन पे, तो ऊपर आपको स्किप देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा होगा SBI, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर सर्च करके भी अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर SBI पर क्लिक कर लेता हूँ। SBI पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर से थोड़ी लोडिंग होगी। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा सिक्योर योर पेमेंट, तो सिंपली आपको यहाँ पर अलो एक्सेस पर क्लिक कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा डोंट प्रेस बैक और क्लोज द ऐप व्हाइल वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस। वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर से थोड़ी सी लोडिंग होगी। फाइंडिंग अकाउंट लिंक विद दिस नंबर, तो दोस्तों आपका यहाँ पर ये लिंक होगा अकाउंट आपके साथ, SBI अकाउंट के साथ आपका यह मोबाइल नंबर लिंक होगा। उसके बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फाउंड वन अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऊपर आपको यहाँ पर अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे। अकाउंट नंबर के आपको यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच देखने को मिल जाएगी, नीचे आपको अपना नेम देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर अपना IFSC कोड देखने को मिल जाएगा अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद नीचे आपको अपनी UPI ID देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो अपनी UPI ID यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। एडिट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोसीड टू ऐड, तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेट UPI पिन, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना UPI पिन सेट कर लेना है। सेट UPI पिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आधार नंबर लिंक विद बैंक। आप यहाँ आप चाहें तो अपने आधार नंबर से भी यहाँ पर फोन पे अकाउंट बना सकते हैं, चाहे तो आप अपने डेबिट कार्ड और ATM कार्ड से भी अपना फोन पे अकाउंट बना सकते हैं SBI से। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर मेरा ATM कार्ड है, तो मैं सिंपली उससे ही अपना यहाँ पर फोन पे अकाउंट बना सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर ATM कार्ड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर कर देना है प्रोसीड पर क्लिक। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने ATM कार्ड के लास्ट 6 डिजिट ऐड करने हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा वैलिड अप टू, यहाँ पर आपको मंथ और ईयर ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा प्रोसीड, तो सिंपली आपको यहाँ पर फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो भी नंबर आपके SBI बैंक के साथ लिंक होगा, उस पर एक OTP आएगा, सिंपली वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों, आपके यहाँ पर एक UPI पिन सेट कर लेना है, यहाँ पर आपको 6 डिजिट का, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना UPI पिन सेट किया है, सिंपली उसी तरह से या कोई अलग UPI पिन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने डेटा पर सेट कर सकते हैं, चाहे और भी कुछ आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो सिंपली UPI पिन सेट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा होगा UPI पिन एग्जिट फॉर दिस अकाउंट, UPI पिन आपका यहाँ पर बन चुका है। तो सिंपली अगर आप अपना UPI पिन भूल जाएं, तो आप यहाँ से रीसेट UPI पिन भी कर सकते हैं। आप अपना UPI पिन चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो। नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा डन, तो सिंपली आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर लेना है। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर फोन पे अकाउंट बन चुका है। अब आप किसी को भी स्कैन करके या किसी के भी बैंक अकाउंट में या किसी भी नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने SBI से अपना फोन पे अकाउंट बना सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगे, जब आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपका फोन पे से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन या और भी कोई प्रॉब्लम हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, सब वहाँ पे जाके मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।